सुप्रभात बच्चों, आज सितंबर को संस्कृत में शेष भाग विसर्ग संधि बताने जा रहे हैं। यह अध्याय 3 से लिया गया है। स्वर व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके भी कुछ प्रमुख नियम हैं जो इस प्रकार हैं। जैसा है, पहला, हस च, यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे और बाद में वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का हर्षऊ हो जाता है। वही हर्षऊ अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ का रूप धारण कर लेता है। जैसे मनह जोर रथ बराबर मनोरथ, इसमें विसर्ग का ओकार हो जाता है। उसी प्रकार यश जोर धरा बराबर यशो धरा, इसमें भी विसर्ग का ओकार हो जाता है। नंबर दो, वा सरी, इसके नियम इस प्रकार है, यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है। जैसे दुजोर शासन बराबर दुशासन, यहां विसर्ग का स हो जाता है, दंत स हो जाता है। उसी प्रकार निजोर संदेह बराबर निस्संदेह, यहां भी विसर्ग का दंत स हो जाता है। नंबर 3, रोरी ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, इसका नियम इस प्रकार है, यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का पहला वाला स्वर दीर्घ हो जाता है, यानी विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए निह जोर रोग बराबर नी रोग, यहां विसर्ग का दीर्घई यानी न दीर्घी का र ओकार ग विसर्ग हो जाता है। उसी प्रकार प्रातः जोर रम्यम बराबर प्रातारम्यम। नंबर 4, ससजुसो रूह, इसमें है, इसके नियम इस प्रकार है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे तथा बाद में कोई स्वर हो या वर्णों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निजोर जलम बराबर निर्जलम, यहां भी देखिए विसर्ग का र हो गया उच्चारण में। उसी प्रकार निजोर झर बराबर निर्झर। 5वां नियम है क्या, सो देखिए, विसर्जनीय सह, इसमें है कि जिस विसर्ग का स हो जाता है, माने जो विसर्ग का स हो जाता है उसे सत्व संधि कहते हैं। इसमें इस प्रकार है, इसके उदाहरण इतह जोर ततह बराबर इतस ततह, यहां भी विसर्ग को हटाकर दंत स हो जाता है। उसी प्रकार नमः जोर ते बराबर नमस्ते। 6वां नियम, यदि विसर्ग के बाद य या छ हो तो विसर्ग का तालब स हो जाता है, ट या ठ हो तो मूर्धन्य स हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें, निजोर छलह बराबर निश्छलह, इसमें देखिए इसमें विसर्ग का तालब स हो जाता है। उसी प्रकार धनु जोर टंकार बराबर धनुष टंकार, यहां भी देखिए विसर्ग का मूर्धन्य, धनुष टंकार में मूर्धन्य हो जाता है। अगला नंबर 7 नियम,
यदि विसर्ग के बाद क ख प फ रहे तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? जैसे प्रातः जोर कालह बराबर प्रातः कालह, माने ज्यों का त्यों हो गया, प्रातः कालह हो गया। उसी प्रकार अंतः जोर पुरम बराबर अंतः पुरम, यहां भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही हो गया। आठवां नियम, विसर्ग के पहले अगर दीर्घई या हर्षऊ रहने रहे तो बाद में क ख प फ रहने पर भी विसर्ग का मूर्धन्य हो जाता है, यथा मिहजोर काम बराबर निष्काम, चतुजोर कोणम चतुष्कोणम। यह नियम जो है सो आप लोग को विसर्ग संधि के बारे में बताया गया है, इसमें भी है जिसे निष्काम हो गया इसमें भी मूर्धन्य हो गया, चतुष्कोणम में हो मूर्धन्य हो गया विसर्ग का। इस प्रकार संधि के तीनों भेद स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि समाप्त हुआ। इसके उदाहरण और परिभाषा सहित सभी बताया जा चुका है, इसे स्मरण करें, उसके बाद संधि विच्छेद करने के लिए अगले दिन से दिया जाएगा।